वीडियो के साथ वापिस है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं ना इंडियन बैचलर इन 3D के अंदर बनाने वाला हूँ एक खतरनाक सा गार्डन। जी हाँ दोस्तों, आपने आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं वो भी RGS टूल की मदद से। अगर गाइस आपको नहीं पता ये सारे के सारे चिट कोड, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी, आप लोग वो वाली वीडियो देख कर ये सारे के सारे चिट कोड जान सकते हो। तो अभी देख लेना जाकर बाद में, और इससे पहले भाई ये वाली वीडियो देखो। और हाँ गाइस, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि इस वीडियो में ना काफी ज्यादा मजा आने वाले हैं। तो फटाक से लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना यार। तो चलो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक वॉल को स्पॉन कर लिया है, और अभी गाइस इसी वॉल से हम बनाने वाले एक एरिया, जिसके अंदर हम बनाएंगे अपना भाई साहब बहुत तगड़ा गाइस गार्डन, जिसके अंदर। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो के जजेस आप लोग होने वाले हो, मतलब आपको बताना कि मेरा गार्डन कैसा बना है। 10 में से आपको रेटिंग करना है, 10 में से कितना अच्छा है। चलो फिर फटाक से बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लगा डाली है, और अभी गाइस हम बनाने वाले सामने, मतलब एक हम भाई साहब बॉक्स बनाने वाले, उसी के अंदर गाइस हमारा पूरा गार्डन होने वाला है। तो चलो फटाक से गाइस आप लोग देखोगे, अब मैं लगाने वाला हूँ इधर के लिए, और जितना हमको एरिया चाहिए ना उतने में एरिया में हम लगाने वाले वॉल, और एक बाउंड्री बना देंगे उसके अंदर भाई हम बनाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। तो चलो मैं अभी वॉल्स को स्पॉन करता हूं, और उसके बाद इनको सेट करना हुआ भाई, सेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो फटाक से गाइस लाइक कर देना, लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता, फटाक से लाइक करो, और अभी हम बनाते हैं इसको। अभी यार ना बहुत ज्यादा लास्ट के रिजल्ट इतने ज्यादा खतरनाक होने वाले, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो आप लोग देखते रहना, और मैं फटाक से बना देता हूँ इसको। बना डाली है, अब मुझे ना फ्रंट में वॉल बनानी है, मतलब भाई साहब फ्रंट में ना कुछ अच्छा डिजाइन के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का, और अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सा ऊपर वाली वॉल, मतलब इससे थोड़ी बड़ी, यहाँ पर ये छोटी ये बड़ी, उसके बाद फिर से छोटी, तो यार मस्त डिजाइनिंग हो जाएगा ना। चलो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो मस्त नहीं लग रहा, बट अभी इसी के अंदर हम बनाने वाले गार्डन, और गार्डन इतना ज्यादा मस्त बनाएंगे ना, मतलब फुल गार्डन की बाई भी आने वाली है। तो चलो गाइस, गार्डन बनाने के लिए मैंने यहां पर कंटेनर मंगाता हूं, और ये कंटेनर मैंने बनाया एक भाई रोड बनाने के लिए, मतलब भाई गार्डन में भाई जो लोग चलेंगे ना, आप लोग चलोगे तो वहां पर कंटेनर्स के ऊपर चलोगे, मतलब अगर मैं ऐसे छोड़ दूं ग्रास के ऊपर आप लोग चलोगे तो यार वाइब नहीं आएगी यार गार्डन वाली। यहाँ पर रोड होगी, और उसके साइड साइड में लगेंगे ट्रीज, मतलब भाई फुल ग्रीनरी मजेदार, भाई फुल मजे आने वाले हैं। यहाँ से आप लोग घुसोगे इधर उधर, भाई इन पे ऐसे चलोगे, ठीक है, मतलब आप लोग कंटेनर्स पे चलोगे तो अलग ही मजे आने वाला है। तो चलो फटाक से मैं इनको लगाता हूँ। जमीन के नीचे गड़ा कर लगा रहा हूँ, मतलब यार ऐसा है कि मतलब मैं जमीन के नीचे इसको गड़ा दे रहा हूँ, इसीलिए भाई रोड लगेगी भाई ये, मतलब भाई अलग अलग कलर की रोड लगेगी ना, काफी ज्यादा मस्त लगने वाली है भाई, मुझे भी काफी ज्यादा मस्त लग रही है। आपको लास्ट में ना रेटिंग करना है कि आपको ये पूरा का पूरा गार्डन कैसा लगा, ठीक है। चलो भाई बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने ना यहाँ
पर भाई साहब सारे के सारे कंटेनर्स लगा दिए और कंटेनर्स की रोड बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके की। ऑलराइट आप लोग देखो तो यहाँ पर कितना ज्यादा खतरनाक भाई, देख लो सिस्टम भाई एकदम ओपी लग रही है। यहाँ पर आप लोग देखो तो भाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के मैंने यहाँ पर कंटेनर्स लगा डाले हैं। तो गाइस यार इन पे चलने में ना अलग लेवल मजा आने वाला है। और इनके साइड साइड में मैं ना लगाऊंगा ट्रीज भाई, मतलब काफी ज्यादा मस्त लगने वाला है यार, मैं खुद बता रहा हूँ। तो चलो बड़ा अच्छे गाइस मैं यहाँ पर ट्रीज लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ऐसे थोड़ी ना भाई ट्रीज लगाएंगे हम, थोड़ा इनको भी अंदर गड़ा देंगे ताकि कुछ पौधे लगने लगे भाई। मतलब ट्रीज नहीं, ट्रीज तो भाई आप लोग जुरासिक पार्क में या कोई फॉरेस्ट वगैरह में लगाया जाता है ना, तो हम गार्डन में है तो गार्डन में पौधे लगाएंगे यार, मतलब मस्त लगने चाहिए पौधे। तो पौधे तो लगे ही होते हैं गार्डन में। चलो फिर गाइस हम यहाँ पर अभी देख दो ट्री को मैंने बना दिया पौधा, और पौधे यहाँ पर फटाके लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मुझे ना अरे पौधे अभी नहीं यार, इस ट्री को मैं पौधा बनाता हूँ इस तरीके से भाई। मैं इसको जमीन के अंदर भाई साहब पूरा दफना कर, मतलब भाई गड़ा कर आधा इसको मैंने जमीन के अंदर कर दिया, आधा बाहर है। तो भाई ये लग रहा है पूरा का पूरा पौधा। फटाक से इनको सबको करता हूँ, आप लोग देखो तो कितना ज्यादा स्पीड में कर रहा हूँ भाई, काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं। और इधर भी मैं जाता हूँ, इस कंटेनर में हिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। यहाँ पर आप लोग देखो मैं ना सारे के ट्री को करने वाला हूँ। हाँ सो गाइस सर मैंने ना अभी भाई अपने पूरे गार्डन के अंदर पौधे लगा दिए, आप लोग देख सकते हो यार काफी ज्यादा मस्त नहीं लग रहा। आपको कैसा लग रहा है आपको लास्ट में बताना जरूर सही है। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और हाँ गाइस मैं बाहर भी लगाता हूँ पौधे, और यहाँ पर मैं लगाने वाला जुरासिक पार्क वाले ट्री। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं क्रिसमस ट्री वाले पेड़ लगाने वाला, और इनको भी हम थोड़ा सा जमीन के अंदर गाड़ देंगे। आप लोग यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एंड अगर आप लोग नहीं कर पाते उनको नीचे तो गाइस आपको ऐसे देख लो भाई मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। तो चलो गाइस को देख रहे हैं यहाँ पर मैंने छोटा करके इसको लगा दिया, काफी मस्त नहीं लग रहा। तो चलो अभी एक और लगा देता हूँ, इधर मैं इसको भी भाई आधा भाई जमीन के अंदर कर दूंगा, आधा बाहर रहेगा, आधा से कम ही बाहर रहेगा। तो चलो बड़ा से मैंने इसको भी यहाँ पर कर दिया है, और इसको भी लगा देता हूँ एंट्री एरिया पर। जी हाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हो यार अब काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, मतलब भाई फुल्ली गार्डन लगने वाला है। गार्डन के अंदर सबसे ज्यादा आपको ग्रीनरी मिलने वाली है, क्योंकि यार गार्डन के अंदर जाओ सुकून मिलना चाहिए, सुकून ग्रीनरी से मिलता है यार। तो इसी के साथ कैसे हमारा गार्डन का वर्क है ना वो आधा कम्प्लीट हो चुका, मतलब 50% कम्प्लीट मैंने कर दिया है। और अभी गाइस हमने अपने गार्डन में जो कचरा वगैरह लोग ना फेंके इसीलिए हम लगाने वाले हैं पर डस्टबिन वगैरह। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर यार जेब्रा क्रॉसिंग मैंने स्पॉन कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने ये डस्टबिन ले लिए और अभी इन डस्टबिन को लगाने वाला हूँ। मतलब भाई फुल कचरा होना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर लोग आए तो उनको भाई बिल्कुल क्लियर मिलना चाहिए सुकून। मतलब अगर गाइस आप लोग आते हो तो भाई मुझे कॉमेंट में बताना। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप मैं इसको कर देता हूँ साइड में, ये बीच में कैसा लग गया यार, इसको साइड करता हूँ, ये यहाँ पर कर दिया। और हाँ गाइस कंटेनर अगर जमीन के एक बार नीचे चले गए तो भाई साहब फिर से लगाने पड़ते हैं यार, वो मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, मैं वो दिखा दूँ तो भाई वो लंबी वीडियो हो जाएगी। चलो गाइस कुछ देखिए यहाँ पर और भी डस्टबिन मंगा देता हूँ, और तो कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग, डस्टबिन ही लगाता हूँ मस्त लगेंगे। चलो गाइस मैं यहाँ पर एक और डस्टबिन मंगाता हूँ यार, यहाँ पर मैंने P4N का ये क्या गया, अरे रुको मैं इधर इसको लगाता हूँ। ऑलराइट गाइस मैं सोच रहा हूँ इसको ना बीच में एक भाई एक जगह ऐसी बना दूं, एक वाई मतलब वाई मतलब रास्ता बना देता हूँ एक भाई, मतलब यार लोग यार इधर उधर टहलेंगे चारों तरफ, उसके बाद बीच से भी टहलेंगे, मतलब बीच में और पेड़ लगा देंगे भाई मस्त लगेगा ना। तो चलो फटाक से मैं इनको स्पॉन करता हूँ। बच चुकी है रास्ता, और इसके साइड साइड में मैं ना ट्रीज लगाने वाला हूँ, मतलब यार काफी ज्यादा मस्त हो, और ये थोड़ी सी तिरछी वगैरह है। तो चलो भाई मैं इसको थोड़ा सा सीधी कर देता हूँ भाई, ताकि यार रास्ता सीधा ही होना चाहिए, हमेशा रास्ता सीधा पकड़ो। तो गाइस इधर मैं रास्ता सीधा करता हूँ, इधर उधर लगा देंगे पेड़, काफी ज्यादा मस्त लगेगा। तो चलो फटाक से लगाते हैं। तो चलो गाइस अभी मैंने ये रास्ता तो
बना दिए थोड़ी सी तिरछी, बट यार कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा होना भी चाहिए, मतलब भाई पेड़ ऐसा दिखेगा मस्त लगेगा भाई, मेरे को नहीं पता। और यहाँ पर गाइस अभी हम लगाने वाले पेड़। जी हाँ दोस्तों, अभी तो ये कुछ इस तरीके का सिंपल लग रहा है ना, तो चलो फटाक से गाइस अभी मैं इसके साइड साइड में पेड़ लगाऊंगा, और पेड़ वही वाले लगाऊंगा भाई जो रासिक पार्क वाले, वो काफी ज्यादा मस्त है, तो चलो फटाक से मैं उनको लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लगा दिए इस रास्ते के साइड साइड में, और अब काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार। आप लोग खुद देखो यार, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, खुद देखो यार कितना ज्यादा मस्त लग रहा ना। और गाइस अभी थोड़ा बहुत काम में एक बाकी बचा है यहाँ पर, डस्टबिन वगैरह लगाना, तो चलो उसको भी लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके का मैंने बनाया। तो चलो यहाँ पर आप लोग, मैं यहाँ पर डस्टबिन लगाता हूँ, यहाँ पर एक लगाया, और एक यहाँ पर भी लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ये कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ पर भी लगा दिया, ये कैसे बोलूंगा, ये भी लगा दिया। और इधर गाइस हम बनाने वाले कुछ अलग लेवल चीज, मतलब यार इधर हम क्या बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर एक चिटको डालने वाला हूँ, एक छोटा सा ब्लॉक है ना, बोर रास्ता ब्लॉक करने वाला ब्लॉक, तो मैं उसको मंगाता हूँ यहाँ पर, इससे मैं कुछ यहाँ पर डिजाइन बना देता हूँ, ताकि लोग आए यहाँ पर बैठ कर फोटोज खिंचाए, मतलब मस्त रहना चाहिए ना ना, फोटो सेल्फी पॉइंट भी बनेगा भाई यहाँ पर। तो चलो मैं इनको यहाँ पर फोर मंगा लेता हूँ ये, ताकि इनसे मैं एक डिजाइन बना दूँ, डिजाइन ऐसा जहाँ पे लोग फोटो बैठ के खिंचा सके। तो मैंने यहाँ पर फोर मंगा दिए हैं, और इनसे मैं पंखे की डिजाइन बना, फैन की डिजाइन बनाऊंगा भाई यहाँ पर, आप लोग दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं कुछ इस तरीके से बता रहा था आप लोग, जैसे ये फैन की डिजाइन बन चुकी है यार पंखे की, तो गाइस आप यहाँ पर लोग बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं, और ऐसी ही डिजाइन मैं उधर भी बनाने वाला हूँ, मतलब दोनों साइड में बनाने वाला हूँ। तो चलो फटाक से मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एंड यहाँ पर फोर ब्लॉक्स को स्पॉन करा देता हूँ। एंड गाइस ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, अगर गाइस आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग वो वाली वीडियो देख कर ये सारे के सारे चीट कोड एंड गाइस कैसे बनाए जाते हैं ये पता कर सकते हो। तो चलो गाइस आप लोग देखो, मैंने यहाँ पर इधर भी वो डिजाइन बना दिया भाई, ये तो काफी मस्त लग रही है ना भाई, मतलब इससे और क्या ही है, कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग वाला, इसीलिए मैंने इनसे बना दिया है, ये आपको बताना कैसा लगा। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, क्या और मैं इसको भी फटाक से बना देता हूँ कम्प्लीट। So guys, वो खड़ी आ चुकी है जब आपको रेटिंग करना है इस खतरनाक से गार्डन को, जिसको कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गार्डन में घुसते ही एंट्रेस्ट एरिया पर हमको देखने को मिलता है ये दो ट्रीज, जो कि क्रिसमस ट्री के जैसे लग रहे हैं, और ये काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तो चलो इसके बाद हम अंदर चलेंगे, तो अंदर हमको ये वो रास्ता भाई सामने हमको पेड़ देखने को मिल जाते हैं, इतने ज्यादा मस्त, मतलब अलग ही वाइब आती है। और उसके बाद हमने यहाँ पर डस्टबिन वगैरह लगा रखे, और ये रास्ता कंटेनर का ना काफी ज्यादा मजा लग रहा है, और इधर हमने झाड़ वगैरह लगा रखी है, इनके अंदर से गुजरो आहा चुमेजुरी मजा आता है यार। तो चलो कैसे और भी दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये बैठने का एरिया बना दिया है, चेयर वगैरह है नहीं इसलिए, और यहाँ से बैठ के सामने को देखो आहा बिल्डिंग है भाई, ग्रीनरी उसके बाद बिल्डिंग है, मतलब भाई इतना ज्यादा मस्त लगेगा ना, अलग लेवल। और हाँ कैसे इधर भाई ये देखो रास्ता, मतलब चलने में लागी मजा आ रहा है यहाँ पर। तो कैसे इधर मैंने बनाए आप लोग तो पेड़ ही पेड़, मतलब पौधे ही पौधे, और उसके बाद इधर रास्ते पे भी अभी चलने वाले, बट उससे पहले मैं इधर का आपको दिखा देता हूँ। So guys, इधर आप लोग देखो तो डस्टबिन वगैरह कोई कमी नहीं है, डस्टबिन पूरे गार्डन में, मतलब और भी कुछ है यार भाई, और भी सब कुछ है, मतलब डस्टबिन मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं यार, सही तो है भाई, जो जगह खाली है ना वहां पर मैंने डस्टबिन रखे, ताकि कूड़ा वगैरह बिल्कुल ही ना हो यार मेरे गार्डन के अंदर, अगर कूड़ा होगा तो बेकार हो जाएगा सिस्टम। So, चलो guys, मैंने आपको चारों तरफ का दिखा दिया, और अभी चलते इस रास्ते पर। guys, आप लोग देखो तो यार कितनी ज्यादा मस्त लग रही है यार, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी, आपको कैसे लगी तो आपको 10 में से स्टार रेटिंग कर बताना है। और इधर उधर हमने पेड़ लगाए, और ये है रास्ता, जो कि ये भी ग्रीनरी से ही बनी हुई है, मतलब भाई हर जगह पर गार्डन के अंदर ग्रीनरी है। और गाइस आप लोग बताना ग्रीनरी आपको अच्छी लगती है कि नहीं। हां तो गाइस अभी मैंने आपको पूरा गार्डन दिखा दिया, और गाइस इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो अभी आपको जाना है कमेंट सेक्शन में सारे लोगों को, और जाके 10 में से कितने स्टार रेटिंग देना चाहोगे फटाक से कमेंट करो, मैं भी देखता हूं आपको ये कितना अच्छा लगा। और उसी के साथ गाइस यार वीडियो पे लाइक भी मार देना, और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही खतरनाक वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे को न्यू खतरनाक वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय।